अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमती बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे। नाजरीन, आज 5 अगस्त है और आज भारतीय गैर इंसानी सोच को 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज के दिन 1 साल कब्ल भारत ने अपने आईन में शिक 370 को खत्म करके अपनी मकरूह सोच को दुनिया भर के सामने अया कर दिया था और ये साबित कर दिया था कि भारत गैर इंसानी सलूक कई सालों से कश्मीरियों के साथ करता आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं, दुनिया के सामने वाजे है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर को कोई भी पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता है। भारत के 370 आर्टिकल के तहत कश्मीर को जो रियासती आजादी हासिल थी वो खत्म कर दी गई और रहते कश्मीरियों को घरों में महसूर कर दिया गया। आज कश्मीर के लिए पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की जा रही है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और हर दम उनके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हर पाकिस्तानी अपनी सतह पर आज का दिन यौम इस्तेहसाल के तौर पर मना रहा है। जी बिल्कुल फाइक, हमारी जान माल और हर तरह से हम हाजिर हैं, उनके साथ खड़े हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की जानिब। आपके पास आज क्या खबर है, बताएं। आज मेरे पास खबर जो है वो बहुत ज़्यादा जो हमारे माशरे में एक नेगेटिविटी है और एक सोच है जिसे कोई बहुत लाइट लेता है, मैं उसके बारे में बात करूँगी, वो बॉडी शेमिंग है। मतलब हम हमेशा जो है किसी बंदे को वो कोई काला है, कोई हमारी नज़र में गोरा है, किसी का कद छोटा है, किसी का कद बहुत बड़ा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, तो ये जो सारी बॉडी के फीचर्स हैं ये जो है इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाता। मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी आंखें नहीं बनाई, अपना नाक नहीं बनाया, अपने बाल नहीं बनाए, जैसे मुझे बना दिया गया मैं वैसे ही सबको दिखती हूँ। और जैसे इंसान को अल्लाह पाक तख्लीक कर देता है उसकी तख्लीक सबसे खूबसूरत है और उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, तो फिर मैं या आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे मुँह पर ये है, तुम्हारे मुँह पर वो है, तुम्हारी आँखें डिंगी हैं, भेंगी हैं, वट एवर। मतलब कौन कौन से कमेंट्स हम करते हैं कि तुम मोटे हो, तुम बहुत पतले हो, तुम्हारा रंग बहुत काला है। तो ये जो हम इन चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं और बहुत आसानी से अगले को कह देते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि जब वो सुनेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। मतलब अल्लाह ताला ने आपको बनाया बिल्कुल है, तो आप उसको उसकी कोई नुक्स ना निकालें, उसकी तकलीफ में कोई शक नहीं है। और आप ये देखें कि जो चीज़ इंसान नहीं बदल सकता आप उस पर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये हमारे माशरे में रिमशा आजकल आपने बड़ा अच्छा ये इशू जो बता रही हैं आप, इसमें एक और इशू भी है हमारे माशरे में आजकल कि जब लड़की लड़कों के रिश्ते होते हैं अक्सर बिल्कुल, और उसमें भी आप जब जाते हैं तो आप उसकी नेचर को आजकल मेरे ख्याल में नहीं देखते, उसको यही देख रहे होते हैं कि ये इसका रंग गोरा है, इसकी आंखें सीधी हैं, या जो पहले आप बात कर रही थी, इस तरह से हम उसके जो नुक्स है वो निकाल रहे होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और हम जो है वो जो चीज़ इंसान कहते हैं ना कि जो उसको सबसे उसके उस पहलू से तोड़ता है जो कि उसके वो नहीं बदल सकता, तो वो इंसानियत नहीं होती क्योंकि वो बदल नहीं सकता खुद को। तो जो हम हमेशा किसी को पॉजिटिव वाइब में हम हमेशा जज करें कि वो कितना सक्सेसफुल है, वो कितना इख्लाक वाला है, वो कितना ग्रो कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, वो प्रोफेशनली ग्रो कर रहा है या जिस तरह भी वो ऊपर जा रहा है, ग्रो कर रहा है, उसने अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं वो पहले तो सेट किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन गोल्स को अचीव करना शुरू किया। तो एक इंसान की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसका बाज़ारन दिखना नहीं है, वो कितना सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल की भी फिर कही है कि वो कितना क्रेडिबल है, कितने लोग जो हैं उससे मुतासिर हुए हैं, वो अपनी गुफ्तगू से कितने लोगों को मुतासिर कर सकता है, जो उसके पीछे लोग उसका जिक्र करते हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वही आपकी सक्सेस होती है जो आपके पीछे लोग आपके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमेशा जो है दिलों में ज़िंदा रहें, हमेशा लोगों की दुआओं में ज़िंदा रहें, यही आपकी सक्सेस है, यही तरक्की है और यही खुशी है, ना कि आप कैसे दिख रहे हैं या कोई कैसा दिख रहा है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। तो आज से हम सब मिलकर अपनी ये सोच खत्म करेंगे कि किसी के रंग, जात और नस्ल को नहीं देखेंगे, उसकी शख्सियत को देखेंगे, उसके जो उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, आप उसका रंग नहीं देखेंगे, वो कितना दुबला पतला है या मोटा है ये नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे इखलाक, सबसे पहले आप उसके देखेंगे इखलाक कैसा है। रिमशा ने पहले बात बता दी थी, रिमशा आपकी इसी बात से मैं एक बात और एक खबर मेरे पास है जो मैं बताना चाहूँगा, और ये खबर एशियाई पेरेंट्स की है, एशियाई जो वालिदैन हैं उनके हवाले से है। सोशल मीडिया जो कि बहुत सारे राबतों और मालूमात के एक अहम जरिया बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से मुआशरे में मुख्फी ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी निशानदेही की जाती है। हाल ही में ट्विटर पे एक सारिफ ने एक बहस छेड़ दी और उस बहस में ये था कि उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि मैं उदास हूँ,
जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मैं उदास हूँ। और उसके नीचे उसने कहा कि जितने भी सारिफ हैं वो रिप्लाई करें एशियाई पेरेंट्स की तरह। एशियाई पेरेंट्स किस तरह कहते हैं, अगर आप अपने एशियाई पेरेंट्स को कहते हैं, अपने वालिदैन को कहते हैं कि मैं उदास हूँ, तो आपकी अम्मा या आपके अब्बा क्या कहते हैं आगे से, क्या कहते हो गरीब शाह आपके? अगर मैं कहूँ कि मैं उदास हूँ तो मेरी अम्मी हमेशा ये मुझे सजेस्ट करती हैं कि तुम ना नमाज पढ़ो या कुरान पाक पढ़ो, तो तुम्हारा जो दिल है ना वो किसी और तरफ चल जाएगा। मतलब तुम्हें वो इस चीज़ को सीरियस लेती हैं कि अगर आप उनको बताती हैं कि आप उदास हैं तो हाँ, वो इस चीज़ को सीरियस लेती हैं। और वो मुझे हमेशा ये कहती हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ लो या कुछ भी जिससे तुम्हें सुकून मिले तुम्हारी, मतलब हमेशा जो उदास होते हैं ना वो आप। लेकिन सारिफ ने बड़े मजे मजे के ट्वीट किए, लेकिन जिक्र करना चाहूंगा, मेरा दिल कर रहा है मैं उसको बता दूं आपको, जिसमें से एक सारिफ ने बताया कि वो अपनी उसने अपनी अम्मी को कहा कि मैं आज उदास हूँ। उसकी अम्मी ने आगे से क्या कहा, बहाना मत करो, उठो, उठ के जो पानी की बोतल है वो भरो, फ्रिज में रखो, उसके बाद वक्त जाया किए बगैर धनिया लेकर आओ, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, आया वड़ा डिप्रेशन। मतलब ये अल्फाज एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जो अम्मा, उसने ये बात की। उसके बाद एक खातून थी, उसने कहा कि अपनी अम्मी को इसी तरह कि मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, तो उसकी अम्मा ने कहा कि खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारे हाथ हैं, पाँव हैं, तुम चल फिर सकती हो, इसके अलावा तुम खाना खा सकती हो, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी का सुकून मिला हुआ है, तुम्हें हर चीज़ मिलती है, तो तुम डिप्रेशन नहीं हो, तो तुम उदास ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस तरह ही इसके बाद एक और यके बाद दीगरे बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आते रहे, और एक और ट्वीट मैं आपको बताऊंगा उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे कि क्या ये वाकई ही एक तिबी मसला है। अगर कोई बच्चा आपको बताता है कि क्या मैं उदास हूँ, हमें इसे सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक और ट्वीट है, और ट्वीट ये था कि एक जो बच्चा उसने कहा अपने वालिदैन को कि आज मैं बड़ा उदास हूँ, तो उसके वालिदैन ने कहा कि हमारा जो वक्त था ना बड़ा अच्छा वक्त था, लेकिन उस वक्त में ना टेंशन बहुत ज्यादा थी, अगर हमने वो वक्त गुजार दिया तो आजकल का वक्त तो बड़ा आसान है, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। और उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे जिनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, तुम्हें रोटी मिल रही है, तुम खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन यहाँ पर बात करने का ये मकसद ये है, और इस ट्वीट का मकसद क्या था, वो यही मकसद था कि बताया ये जा रहा था कि अगर कोई बच्चा आपको आकर कहता है, आपका कोई बेटा या बेटी, कि मैं उदास हूँ, तो इसको एक सीरियस लिया करें, क्योंकि जब आपको ये आके बात बता रहा है तो यकीनन उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है, ना कि हम उसको तंज करें, ताने मार मार के बता दें कि हमारा वक्त तो बहुत अच्छा था और तुम आजकल का वक्त बहुत अच्छा गुजार रहे हो। और नई नस्ल का तो जो कहते ना कि सारे फसाद की जड़ तो मोबाइल है। हाँ, मोबाइल है साथ में जनाब, वो एक शुरू लंबी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसी हवाले से बात की गई माहिर नफ्सियात से, और माहिर नफ्सियात ने बताया कि इस तरह के बहुत सारे नौजवान उनके पास आते हैं और आकर बताते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आज मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे सीरियस नहीं लेते। और ये वजह यह भी है कि आजकल जो हमारे मुआशरे में है आगाही इस चीज की बहुत कम है। बिल्कुल, बच्चा आपको अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल हम जो है वो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। अव्वल तो हम सुनते ही नहीं अपने बच्चों की कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब आप एक बार उसे ये तो पूछें कि बेटा उदास क्यों हो, ये तो हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, उसे लगा देते हैं कामों में, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, डिप्रेस क्यों हो रहे हैं हम आजकल, क्योंकि मुआशरा जो कि बहुत तरक्की कर चुका है, और जो नौजवान नस्ल है वो कामयाबियों की तरफ बढ़ने के लिए तवक्कोआत भी बढ़ा लेती है, और जब वो तवक्कोआत पर पूरा नहीं उतरती तो आप लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा आपके पास आता है तो काइंडली इसको सीरियस लिया करें और इसका इलाज किया करें, जैसे कोई एक मर्ज होती है इस तरह इलाज, ताकि आपका बच्चा ठीक रहे और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सके। मैं साइकेट्रिस्ट तो नहीं, लेकिन मैं छोटी सी एडवाइस जरूर दूंगी कि छोटे छोटे गोल सेट किया करें। कभी भी इंसान जो है मंजिल पे या उसकी छत पे जंप करके नहीं जाता, वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है। छोटे 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 स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े। इस तरह नहीं होता कि आपको एकदम एक रात में सब कुछ मिल जाए। जो लोग सक्सेसफुल है उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने छोटे छोटे अपने गोल सक्सेस को देख रहे होते हैं, उसको ये नहीं देख रहे उसके सफर को नहीं देखते ना, मेहनत की है, कितनी मेहनत है। तो अगर आप जो है एक्सपेक्टेशन लेवल, एक तो सब लोगों से एक्सपेक्टेशन लेवल तो आप रखे ही ना, सबसे ज़्यादा खुश अगर आप रहना चाहते हैं तो आप किसी से कोई उम्मीद मत रखें, किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी दोस्त से कोई उम्मीद मत रखें। अगर वो नहीं करेगा तो आपको दुख नहीं होगा, और अगर वो करेगा तो आपको इतनी खुशी होगी कि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और वो कितना कुछ कर रहा है। और दूसरी बात ये कि अपने छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें जो है वो अचीव करें और खुश रहें और सेफ रहें। सेफ सिटी के साथ, इसी के साथ हमें चाहनी है इजाजत। नए प्रोग्राम के साथ, नई बातों के साथ, नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। मुझे और इम्शा को दीजिए इजाजत, और जाते जाते हमारा फेसबुक का पेज फॉलो करें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, ट्विटर पे हमें जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आज हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।